एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा एंड वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ इंदौर फूड सीरीज। हम लोग इंदौर में हैं एंड वी आर ट्राइंग सम ऑफ द बेस्ट फूड ऑफ इंदौर। दो पार्ट्स ऑलरेडी लाइव हैं चैनल पे, मेक श्योर यू वॉच दैट। हमने सराफा बाजार और छप्पन दुकान जो लेन है उस पर वीडियोज ऑलरेडी बना रखी है, गो चेक दैट आउट। आज के वीडियो में हम इंदौर की और भी स्पेशलिटीज ट्राई करने वाले हैं, लाइक वी आर गोइंग टू ट्राई सम पोहा, सम सैंडविच, सम नॉन वेजिटेरियन फूड एंड लॉट्स मोर। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू सी ऑल द डिलीशियस फूड। आज की जो पहली प्लेस हम आए हैं वो है सैनी उसल पोहे। मुझे एक्चुअली इतना दुख हो रहा है क्योंकि ये जो सैनी उसल पोहे है ये काफ़ी दूर है फ्रॉम वेयर आई वॉज स्टेइंग। 30 मिनट्स लगे मुझे यहाँ पे पहुँचते। एंड हियर आफ्टर रीचिंग हियर आई केम टू नो कि ये शॉप 3-4 दिन से बंद है और 2-3 दिन बंद होने वाला है क्योंकि इनके फैमिली में किसी की शादी है। लुक देयर। सो दिस इज सैनी उसल पोहे एंड इट्स शट। यूजुअली इट्स ओपन एट दिस टाइम, बट प्लान ये है कि दिन तो पोहे के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी यहाँ के आजू बाजू में हमें पोहे कहाँ मिलते हैं। अब क्योंकि सैनी बंद था बट मैंने आपको बोला कि मैं तो पोहे खाने ही वाली हूँ, तो एकदम उसके ऑपोजिट में आ जाता है बैरूनाथ नाश्ता सेंटर। वहाँ से मैंने ले लिया है उसल पोहे। ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने डाला पोहा, उसके ऊपर उन्होंने डाला उसल तरी जो स्पाइसी होती है, फिर सेव, रतलाम सेव, नायलॉन सेव दोनों, थोड़ी सी दही और ये कांदा और टमाटर का पूरा मिक्सचर और साथ ही में नींबू भी। ओ वाओ, बहुत स्पाइसी है ये। गोज विदाउट सेइंग कि सेब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें ऑब्वियसली उसल इतनी डाली गई है कि उसका बहुत डोमिनेंट फ्लेवर है, बहुत स्पाइसी है, बट उतना ही स्पाइसी कि आपको अच्छा लगे। जो पोहे हैं काफ़ी सिंपल है और पोहे के जो ग्रेन्स हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसमें थोड़ा बॉयल्ड आलू भी है, कोरिएंडर, मस्टर्ड सीड्स। Too good. जो कर्ड डाली हुई है इट्स नॉट दैट स्वीट। ओवरऑल एब्सोल्युटली लव दिस वन। आई लाइक हाउ पोहा इज फ्लेवरफुल एंड नॉट स्पाइसी। उसल इज वेरी स्पाइसी, देन सेव इज ब्रिंगिंग अनदर काइंड ऑफ स्पाइस एंड देन दही एंड नींबू टू ब्रिंग डाउन ऑल दैट स्पाइस। और पोहे जो है एकदम सॉफ्ट, ऐसे उनका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट है। थोड़े थोड़े पीनट्स भी हैं। टू गुड। बिफोर लीविंग फ्रॉम हियर मैं आ गई ओम नमकीन पे, एकदम मेरे पीछे है ये देखिए। और ये प्लेस काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स सेव और इंडोर स्पेशल, जो भी सेव और नमकीन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ले ली हैं। मैंने एक ये रतलामी सेव ले ली है जो काफ़ी स्पाइसी होती है, और दूसरी एक चीज़ जो मेरी मॉम ने मुझे बोला था लाने के लिए वो है उज्जैनी सेव, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इनका फ्लेवर काफ़ी ऐसा स्ट्रॉन्ग करता है, एकदम गले पे हिट करता है। सो आई बॉट सम ऑफ द नमकीन्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट प्लेस, लेट्स गो। आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है नफीस रेस्टोरेंट। ये इंदौर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है व्हेन इट कम्स टू सर्विंग नॉन वेजिटेरियन फूड। आप में से भी मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे आके मैं चिकन बिरयानी ट्राई करूँ। सो आई हैव ऑर्डर्ड अ चिकन टिक्का बिरयानी फॉर माई सेल्फ एंड सम बंजारा कबाब। सो हमारा बंजारा कबाब अभी आ गया है। दो चिकन लेग पीसेस आते हैं ये देखिए। सो हियर वी हैव टू चिकन लेग पीसेस। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर है चटनी, मिंट चटनी थोड़ा हम ले लेते हैं। कितना सारा बटर डाला हुआ है, इट्स सुपर हॉट। चिकन दिखने में काफ़ी स्मोकी और टेंडर लग रहा है। और यहाँ पे मैरिनेशन में देखिए मुझे लग रहा है कि इसमें भी मिंट यूज़ किया गया है। हियर इज़ आवर चिकन टिक्का बिरयानी। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि बिरयानी भी आ जाए क्योंकि कबाब इतना गर्म था, धुएं निकल रहे थे, बट ये देखिए इट्स सुपर टेंडर। कबाब में एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर है, ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। एज आई गेस्ट मिंट का पेस्ट भी डाला हुआ है। चटनी तो बहुत ज़्यादा मिंटी है, लव इट। आई लाइक
How tender the chicken is. No effort in breaking, no effort in chewing. Not spicy at all and very buttery. बंजारा कबाब. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई सम चिकन टिक्का बिरयानी. ये देखिए, इसमें 2 से 3 चिकन के पीसेस आ जाते हैं. अगेन आप देखेंगे चिकन कितनी टेंडर है, लाइक इतनी ईजीली ये ब्रेक भी हो जा रही है. एंड जो हमें सर्व कर रहे थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा मिक्स किया उसको. सो आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ दैट चिकन एंड सम ऑफ दैट राइस एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. इसमें स्पाइसेस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, तो मुझे लौंग का, इलायची का, सिनेमन का, इसका मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है. ये मैंने चिकन टिक्का बिरयानी बोली थी बट ये प्रॉपर चिकन टिक्का नहीं लग रहा है, बट इट्स फाइन. इफ़ यू आर समवन जिनको ऐसे अपने बिरयानी में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं पसंद है दालचीनी और इलायची के, तो आपको शायद ये बिरयानी ओके लग सकती है. मुझे डिसेंट लग रही है, लाइक नॉट दी बेस्ट बट नॉट बैड एज वेल. नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है मधुराम सैंडविच. यहाँ पे आपको मिल जाता है इंदौर का सबसे बड़ा सैंडविच. लुक एट दिस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैंडविचेस आई हैव एवर सीन एंड दिस इज जस्ट फॉर 150 रुपीज. इट्स लोडेड, इट्स ह्यूज. उसके साथ आपको मिल जाती है केचप, ढेर सारा इन्होंने चीज़ और मेयोनीज डाला है, सम चटनी एंड सम चिप्स. सो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है. सबसे पहले तो देखिए मुझे इसके ऊपर सेव दिख रहा है, देन अंदर मुझे दिख रहा है अनियन, टमेटो, कैप्सिकम, सम पनीर. दिस इज लोडेड गाइज. यहाँ पे एक शेल्फ है जहाँ पे सिर्फ ऐसे जंबो ब्रेड्स पड़ी हुई हैं इतनी सारी. चलो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस. ओह वाओ, इतनी सारी चीज़ें डाली हुई है इसमें गाइज. सो नाइसली ग्रिल्ड. इसका ओवरऑल टेस्ट काफ़ी चीज़ी, क्रीमी और मेयोनीज का टेस्ट आ रहा है. हल्का सा स्वीट भी है ये बिकॉज ऑफ मेयोनीज, स्वीट कॉर्न एंड अनियन. एक इनकी सॉस डाली हुई है जो बहुत ही तंदूरी सॉस जैसी टेस्ट आ रही है उसकी. देन पनीर, कैप्सिकम, टमेटो, स्वीट कॉर्न, देन इसमें रतलाम सेव और ये जो एकदम पतला वाला सेव है, दोनों ही डाले हुए हैं. एक बाइट अभी चटनी के साथ लेते हैं. कोरिएंडर की चटनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिएंडर का टेस्ट है और हल्की सी टैंगी है. नथिंग इन दिस इज स्पाइसी, इनफैक्ट इट्स अ लिटिल स्वीट एंड क्रीमी एंड चीज़ी. और पनीर भी ढेर सारा डाला हुआ है इसमें. बोलते हैं यहाँ पे आपको ये एक सैंडविच के लिए 15-20 मिनट तक की वेटिंग भी मिल सकती है. एंड द ओनर हियर इज़ मेकिंग सैंडविचेस इन सेकेंड्स, लाइक इतना फास्ट उनका हाथ चल रहा है. फॉर 150 रुपीज़ आई थिंक इट्स अ रियली नाइस सैंडविच. आज की जो लास्ट प्लेस हम आए हैं वो है मुक्की के जायके. दिस इज़ द लास्ट प्लेस दैट वी आर कवरिंग इन आर इंदौर फूड सीरीज़. ये प्लेस एक्चुअली मुझे एक और दो सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में बताई थी. तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बेक समोसा एंड सम कॉफ़ी एंड दे हैव वेराइटी ऑफ समोसास. जैसे आप इनके मेन्यू में देखिए कितने ही समोसे के वेराइटीज़ हैं और उनके नाम भी काफ़ी अजीब हैं. बट मैंने इनका एक प्लेन समोसा ले लिया है. ये देखिए 70 फॉर कोल्ड कॉफ़ी एंड 30 फॉर द समोसा. For 30 rupees, this is loaded. ये actually थोड़ा थोड़ा पफ जैसा लग रहा है मुझे, but look at this. This is समोसा जिसके अंदर इन्होंने डाला है cabbage, सेव, ketchups. बाकी खा के मालूम पड़ेगा. Usually समोसे के अंदर एक potato mix होता है, but इसमें actually एक आलू टिक्की sort of a thing डाली हुई है. ये देखिए, बट इसमें रतलामी सेव भी डाला हुआ है जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग
टेस्ट आ रहा है और उसमें ब्लैक पेपर का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है। देन कैबेज, इसमें आप लेयर्स देखिए जैसे सुपर फ्लेकी, और ये काफ़ी हम लोग जो पफ नहीं खाते हैं ये काफ़ी उसके जैसा ही टेस्ट कर रहा है, मोर देन समोसा। आई डोंट नो व्हाई वुड दे कॉल दिस अ समोसा, दिस टेस्ट सो मच लाइक अ पफ। बस यम्मी, इसमें केचप बहुत सारा डाला हुआ है तो उसके वजह से स्वीट ज़्यादा हो जा रहा है, वो वेरी डिफरेंट। एक और चीज़ जिसकी इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट है वो है कैबेज, मोर देन आलू। मुझे इसमें सेब, केचप, कैबेज इन सब का टेस्ट आ रहा है। इट्स नाइस बट आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट अ समोसा। आई हैव ऑल्सो टेकन सम कोल्ड कॉफ़ी। Oh wow, the cold coffee is yummy. थोड़ा चॉकलेटी टेस्ट है बट कॉफ़ी का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें। दिस इज़ वेरी नाइस, आई थिंक ये मैं एक और लूँगी। इट्स सो रिफ्रेशिंग, इट्स सो नाइस, इट्स सो क्रीमी एंड इट्स नॉट थिन। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी प्रॉपर है, लाइक थिक और थिन भी नहीं बट इन द मिडल। लव्ड इट। Okay guys, that's it for this video and that's it for Indoor Food Series. I hope you guys enjoyed it. If you did, please make sure you hit the like button and make sure that you watch the rest of the parts of Indoor Food Series as well. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. Agar aapko chahiye comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. Subscribe to my channel, like the video, leave a comment below, and yeah, I'm gonna see you next time. Till then, khao piyo khush raho. Bye. आज की जो पहली प्लेस हम आए हैं वो है सैनीज पोहे उसल। गाइस उसल पोहे सॉरी, आज की जो पहली प्लेस हम आए हैं, मुझे इतना दुख हो रहा है क्योंकि मैं एक्चुअली ये सैनी पोहे उसल जो है सैनी क्योंकि We're done.